ये स्टोरी है एक ऐसे क्रिएटर का जिसे कूल वीडियोस बनाने हैं, जिसका एडिटिंग उसे खुद ही करना है, जो वो जितना करता जा रहा है उतना प्रॉब्लम सामने आ रहा है, जिसको काफी दिनों तक फेस करने से उसको ऐसा कुछ सॉल्यूशंस मिले जो विदाउट फेसिंग दोस प्रॉब्लम्स ओवर एंड ओवर कभी नहीं मिलता, बट कुछ लोगों के लिए ये चेंज हो सकता है। अभी वो काम कर रहा है प्रीमियर प्रो में, जिसका रिलेटेड ही सारा प्रॉब्लम्स है स्टोरी में, जिसके अंदर वो शांति से फाइल्स को इंपोर्ट कर रहा है, इन एंड आउट पॉइंट सेट कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, क्लिप्स को कट कर रहा है, मैच कर रहा है मैनुअली, किसी साउंड इफेक्ट या म्यूजिक की बेस्ट पार्ट को उसे मैनुअली देख के ही सेट करना पड़ रहा है ट्रांजिशंस पे, या क्लिप के हिसाब से बीट को सेट करना वो भी मैनुअली। अब उसे मार्कर के बारे में तो पता है ही, जो एम दबाने से ये छोटा सा मार्कर कभी भी कहीं भी चला आता है, जिसे वो नॉर्मली म्यूजिक में बीट्स का है उसके हिसाब से कट करने के लिए यूज करता था। सडनली उसके दिमाग में आया, व्हाई Not use the markers for future. Marker के साथ future का क्या connection? वैसे ही जैसे time के साथ औकात का, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अब वो मार्कर यूज कर रहा है एक ही बार, साउंड इफेक्ट्स हो तो उसके बेस्ट पार्ट में, जिसको वो यूज करना चाहता है हर बार एज ए ट्रांजिशन। उसी क्लिप की उसी जगह पे वो मार्कर दे रहा है, और ये मैग्नेट वाला बटन ऑन रहने से ये मार्कर वाला पार्ट ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा किसी भी स्टार्टिंग या एंडिंग क्लिप्स के साथ, एक मार्कर के साथ दूसरे मार्कर का भी, जो वो कुछ स्टार्टिंग बीट्स पे भी यूज कर रहा है, जो बीट उसे बार बार यूज करना है एक ही वीडियो में। उसके साथ उसे ये भी पता चला है कि सोर्स मॉनिटर में ये वाला पार्ट में, जहां पे हम देखते हैं किसी फाइल को इंपोर्ट करने से पहले, यहाँ पे मार्कर डाल के एक बार सेव कर लिया ना, तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, वो सेम फाइल अगर नेम चेंज नहीं हुआ तो वो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे उसी म्यूजिक या वीडियो फाइल को ले आके जब सोर्स मॉनिटर में ओपन करेगा तो दैट मार्कर विल बी देयर, तो उसे खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पार्ट उसको लेना है। उसके ऊपर राइट क्लिक भी हो सकता है, जिससे वो कोई भी नाम दे सकता है स्पेसिफिक मार्कर को और कलर्स भी, जैसे ऐसा किसी लंबा साउंड या म्यूजिक पे स्पेसिफिक पार्ट्स उसको स्पेसिफिक कारण के लिए पसंद है उसको वो नेमिंग कर सकता है फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे ही वो हर एक इफेक्ट्स को कलर ग्रेडिंग, मूवमेंट, एनिमेशन जो एक क्लिप पे किया है, उसी चीज को कॉपी करके अलग अलग मैनुअली पेस्ट कर रहा है जिस जिस क्लिप पे उसे सेम इफेक्ट्स चाहिए, क्योंकि एक साथ मल्टीपल क्लिप्स को सिलेक्ट करने से इफेक्ट्स कंट्रोल नहीं आता। तो मैनुअली कॉपी पेस्ट करते हुए उसे पता चला एट्रीब्यूट्स का पैरासिटामोल, क्योंकि ये बहुत चीजों पे एक साथ काम करता है, जिससे वो अभी एक ही क्लिप्स पे काम करता है, कोई इफेक्ट्स हो, कलर ग्रेडिंग हो, एनिमेशन हो, मूवमेंट हो, कोई भी। देन वो क्लिप पे ही राइट क्लिक करके ये सुंदर सा बॉलीवुड ऑप्शन, अब उसे इस क्लिप की सिमिलर जितने भी क्लिप्स में से डालना है उसको सबको एक साथ सिलेक्ट करके वो राइट क्लिक पेस्ट एट्रीब्यूट्स, ये डायलॉग बॉक्स से वो सब इफेक्ट्स को एक साथ पेस्ट कर सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक इफेक्ट को ही चाहिए तो सिर्फ उसे ही सिलेक्ट करके कर सकता है। वो तो अभी पहले एडिटिंग के टाइम ही क्लिप्स के हिसाब से लेबल कलर दे देता है, ताकि बाद में जब इफेक्ट्स डालना हो ना तो जस्ट सिलेक्ट लेबल ग्रुप करने से उस कलर का जो भी क्लिप से वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर डालो एट्रीब्यूट्स। बट फिर भी ऐसे टॉकिंग हेड में कट्स तो बहुत ही आते हैं ना, उसका भी आता है, इसीलिए ऑडियो पे जम कटना बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है, वीडियोस के लिए कुछ ज्यादा हो गया तो छोड़ ही दो। तो इसीलिए अब वो यूज कर रहा है डिसॉल्व का असली चेहरा छुपाना है ना लोगों से ऑडियो के जंप कट्स तुरंत एक सेकंड में। तो अब वो कट करने के बाद ये दोनों क्लिप्स के बीच में जैसा टच करता है, तो बीच में कलर रेड हो जाता है, फिर जस्ट शिफ्ट डी, इससे दोनों ऑडियो में ऑटोमेटिक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाता है जो ऑडियंस को पता भी नहीं लगता। डजंट वॉक एवरी टाइम, लेकिन सेम फ्रेम में जंप कट्स में डजंट वॉक एवरी टाइम, लेकिन सेम फ्रेम में जंप कट्स में कुछ ज्यादा हो गया तो ऐसा भी लगता है, ऊपर नीचे कर देता था, फिर वो मैनुअली तो कुछ नहीं कंट्रोल्स के लिए जिस साइड के ऑडियो को कम करना है उसे शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करने से सिर्फ उसी साइड के ऑडियो को कम होता है, और उसे ये भी पता है कि लेंथ को हमेशा छोटा रखना है, नॉर्मल ड्रैग करने से दोनों तरफ से ट्रांजिशन छोटा होता जाएगा, इसीलिए वो ये हर ऑडियो क्लिप्स के बीच में यूज करता है, क्योंकि एक सेकंड से भी कम लगता है टाइम, पर ये वीडियो में काम नहीं करता। वीडियो के लिए वो यूज करता है मॉर्फ कट, जो चीज उसे इफेक्ट से मिला है, बट कुछ गलतियों के बाद उसे पता चला है कि दिस डजंट वर्क एवरी टाइम, लेकिन सेम फ्रेम में जंप कट्स में ये बहुत बढ़िया काम करता है अगर ट्रांजिशन का लेंथ बहुत छोटा हो, बट वो ये सब जगह पे यूज नहीं करता, बिकॉज विजुअल कट्स आर गुड एक्चुअली, जैसे एक्चुअली मैनुअल कंट्रोल पेन टूल से जो वो करता था वो भी अच्छा है, किसी भी चीज का इंटेंसिटी कम ज्यादा करने के लिए वो पेन टूल से सीधा इसे ऊपर नीचे कर देता था, फिर वो मैनुअली हर पॉइंट पे कर्व्स बना के उसे स्मूथ करने की कोशिश करता था, फिर उसे पता चला कि ऐसा मैनुअली करने से सिर्फ टाइम ही नहीं प्रोजेक्ट भी खराब होता है कभी कभी रीओपन करने के बाद वो प्रोजेक्ट, मेनली कुछ ऑडियोस का लेवल इधर उधर हो जाता है जो सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Hey, yo, what's up, Premiere Pro? But अब वो करता है ईज इन एंड आउट, क्योंकि समथिंग शुड बी सेड एज इट इज, जिससे अब वो किसी भी पॉइंट पर राइट क्लिक करता है कहीं पे भी, एंड सिंपली ईज इन या आउट सिलेक्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिक एक बेस्ट कर्वेचर दे देता है। उसे पता चला है कि हर दो पॉइंट के लिए ये करने से ना तो ये एक परफेक्ट एस कर्वेचर देता है जो कि ऑटोमेटिकली स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करता है एक ही सेकंड में, प्लस प्रीमियर प्रो टेक्स दिस एज एन इफेक्ट
बिल्ट इन, तो वो छेड़छाड़ नहीं करता प्रोजेक्ट सेव होने के बाद रीओपन करने में। ये सारे चीजों को वो हैबिट कर रहा है, फिर भी उसे पता चल रहा है कि एनिमेशन हो, मूवमेंट्स हो, टेक्स्ट हो, कलर ग्रेडिंग हो, ये सारे चीजों को क्रिएट करने में टाइम लगता है, विच इज ग्रेट फॉर स्किल्स बट नॉट फॉर यूट्यूब कंसिस्टेंसी और मेंटल हेल्थ। तो उसने मेंटेलिटी को चेंज किया टू टेम्पलेट्स, क्यों नहीं, तो वो खोजने लगा टेम्पलेट्स। बट फ्री वाले तो बेकार है और प्राइसी, बट उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे गंदी चीजें चूज नहीं करना था। तो उसको उस टाइम कुछ पता चला था जो उसने मुझे इस पे लिख के भेजा है ताकि मैं भी ट्राई कर पाऊँ, जिसका बेसिक समरी यही है कि चूजिंग टेम्पलेट्स नॉट जस्ट द राइट वन बट द बेस्ट वंस, हंड्रेड्स ऑफ देम इन अ वाइड वैरायटी। जो स्टोरी ब्लॉक्स तुम्हें दे रहा है अब प्रीमियर प्रो के अंदर ही उनके प्रीमियर प्रो प्लगइन ऑप्शंस है, जो तुम अब प्रीमियर के अंदर रह के एक्सेस कर सकते हो इनके 1 मिलियन प्लस एसेट लाइब्रेरी। एडिटर में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो चीजें जिसमें सिर्फ टेम्पलेट्स ही नहीं, फर्स्टली स्टॉक फुटेजेस, म्यूजिक, बैकग्राउंड्स, SFX, सेकंड सारे चीजें 4K या HD में, थर्ड एवरीथिंग इज रॉयल्टी फ्री, जो तुम सब डाउनलोड अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से प्लान चूज करके। यस, दे हैव वैरायटी देयर एज वेल एंड द लाइब्रेरी इज कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग। सो लर्न मोर अबाउट storyblocks.com फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और गो टू storyblocks.com/any एंड टेल योर स्टोरी लाइक ए प्रो, व्हिच यू विल, अगर एडिट तुम्हारा मक्खन हो रहा है तो, जो कभी नहीं होगा। ट्रायल एंड एरर माय ब्रो, अगर स्टक हो जाओ तो बटन्स को पुश करते रहो, एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, एडिट एंड लाइफ आर वेरी सिमिलर, स्टोरी जितना आगे जाएगा कट्स उतना बढ़ता रहेगा, बी श्योर यू मेक देम इंटरेस्टिंग।